एक बार गौतम बुद्ध सिंसवा वन में पर्णशैया पर विराजमान थे कि हस्तक आलबक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते कल आप सुखपूर्वक सोए नहीं होंगे। हां कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया, भगवान बुद्ध ने कहा। किंतु भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित और बंद हो, उसके पलंग पर चार अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर वितान हो और सेवा के लिए चार भार्याएं तत्पर हो, तब क्या वो गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हां भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वो सुख से क्यों नहीं सोएगा? उसे सुख की नींद जरूर आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वो सुख से सोएगा? नहीं भंते, वो सुख से नहीं सो सकेगा। और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वो सुख से सोएगा? नहीं भंते, वो सुख से नहीं सो सकेगा। कुमार, तथागत की राग द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़मूल से नष्ट हो गई है, इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने ये तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद आस्तरण हो तब तो बात ही क्या, सुखद नींद के लिए वो निश्चय ही सहायक होगा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।